अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि गार्लिक यानी लहसुन लहसुन का जो रायता होता है या चटनी जो आप कहना चाहें किस तरह बनता है, आपको दिखा देते हैं। ये 1 किलो फुल फैट योगर्ट है, इस इज़ क्वाइट थिक, तो इसमें आप दूध या पानी, वो आप ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं इसको पतला करने के लिए। छोटा ग्लास दूध का, 10 से 12 हरी मिर्चें यानी ग्रीन चिलीज, 8 to 12 लहसुन यानी गार्लिक, 2 लार्ज साइज अनियंस फाइनली चॉप्ड यूं करके, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं, प्लस उसमें थोड़ा कलर भी ब्राउनिश सा हो जाता है। ये रायता बनाने के लिए आपको आपके ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी, सो ब्लेंडर, बीच में आप अपनी ग्रीन चिलीज डालें। ये बहुत सिंपल है, गार्लिक ऐड किया है हमने और हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद सिंपली हमें इसको इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिली की वजह से इसकी धार सी उठती है, थोड़ा ज़्यादा प्लीज पीछे होके रहिएगा, इसमें स्पाइसी है। करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें, आप इसका कलर देख सकते हैं कि साथ ही रायते की तरह इसका कलर हो जाता है ग्रीन चिलीज की वजह से। मैं इसमें सिर्फ अनियंस ऐड कर रही हूँ बिकॉज माई फैमिली डज नॉट लाइक टमाटोज और क्यूकम्बर इन देयर, लेकिन आप इसमें टमाटोज डाल सकते हैं और क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। यूं करने के बाद बीच में हम अपने चीज़ें ऐड कर लेंगे सारी, यानी कि अनियन, जीरा एंड ब्लैक पेपर। चीजों को ऐड करें और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको हमने मिक्स कर लिया हुआ है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी टेस्टी प्लस हेल्थी, बिकॉज इसमें गार्लिक होता है और ये कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये आप किसी भी सालन, चावल, रोटी, एनीथिंग आप इसको उसके साथ खा सकते हैं। तो ये रहा आपका गार्लिक का रायता यानी चटनी, जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।